हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आई एस पी सी एस। इस चैनल के थ्रू हम ये कोशिश करेंगे कि हम आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं या आपके यूज़फुल जितने भी आप एग्ज़ाम्स में मैथ्स या रीजनिंग देखते हैं तो उसमें आपको हेल्प मिल सके। मेन पर्पस रहेगा आप लोगों की एग्ज़ाम्स को स्कोर कराना, क्योंकि यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा होगा कैलेंडर्स की काफ़ी कन्फ्यूजिंग ट्रिक्स हमारे सामने आई हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ उन्हीं ट्रिक्स में से एक मतलब ईजिएस्ट वे निकाल करके, जैसे कि आप को बहुत सिंपली समझ में आए, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बहुत इजीली कर सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज़ कोई क्वेश्चन को हम सॉल्व करने आ रहे हैं, तो एक चीज़ हमें पहले देख लेनी है, जैसे कि हम बात करेंगे सबसे पहले डेज़ की। ठीक है फ्रेंड्स, डेज़, तो डेज़ के अंदर हमें देखना क्या होगा, एक तो आपके डेज़ के नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, डेज़ हम कैसे करेंगे, वैसे तो डेज़ हमें पता ही है क्या होते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शॉर्ट में। ये है फ्रेंड्स मंडे, ठीक है, मंडे को मैं एम से कर रही हूँ, इसका नंबर हमें देना है 1। ठीक है, सपोज़ आप नंबर दे रहे हैं और बहुत ही ईजी है, आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। ट्यूज़डे है, ट्यूज़डे को आपको देना है 2। इसके बाद में आपका आएगा क्या, वेडनसडे, बिल्कुल राइट, तो वेडनसडे को आपको देना है 3। इसके बाद में आएगा आपका थर्सडे, एवरीवन नोज अबाउट दैट। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, टिप्स पे हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस यही करना है आप लोगों को। फ्राइडे है, फ्राइडे का आपका 5 हो जाएगा, बिल्कुल नंबर सीरीज़ में ही बढ़ेंगे। देखिए इसके बाद में आएगा सैटरडे, सैटरडे में आपका हो जाएगा 6। इसके बाद में आएगा आपका संडे, ओके, संडे में आपका हो जाएगा 7। अब देखिए एक चीज़ बताऊँ, अगर मैं इसी को देखूँ, यहाँ पर जो डेज़ हैं, डेज़ में अगर मैं 7, एक वीक के अंदर डेज होते हैं, और 7 से ही उसे डिवाइड करूं तो क्या निकल के आता है, 1। यानी कि 7 के बाद अगर मैं जस्ट देखूं नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, तो नेक्स्ट नंबर फिर आ जाएगा ये वाला, ठीक है, मंडे वाला। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको फ्रेंड्स, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था, बाकी इसका कोई यूज़ नहीं है। और चलिए वापस आ जाते हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन आया, देखिए बहुत जल्दी से इस वीडियो में बताना चाह रही हूँ कि हम कितना ईजी कर देंगे आपके लिए, नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेके आएंगे उसमें आपको और आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो वो सपोज क्वेश्चन है कि 21 दिन के बाद क्या आता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत आते हैं 21 दिन के बाद। ठीक है, 21 दिन के बाद क्या आएगा। ठीक है, सपोज क्वेश्चन इस तरह से आया, सॉरी 21 नहीं है ये, 24 है। ठीक है, यानी आफ्टर 24 डेज क्या आएगा या आता। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपका। सपोज़ ये क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे, देखिए हम करते हैं इसको, 24 डेज़ के बाद क्या आएगा। ठीक है, वेरी सिंपल, 24 लेना है और आपको इसे 7 से डिवाइड करना है। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रही हूँ उसको, 24 डेज़ को 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, बस जस्ट क्वेश्चन करेंगे आप, इजीली हो जाएगा। अगर मैं इसे बोलूँ 24 डेज़ को 7 से डिवाइड करना है तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे 24, यही करते हैं ना आप लोग, 7 7 3 20 1। देखिए मैं करके दिखा रही हूँ आपको, एग्जाम में नहीं करना होगा। बचेगा क्या, रिमाइंडर 3 बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा, शेष क्या बच रहा है, शेषफल 3 बच रहा है। ये जो 3 बचेगा ना, ये 3 जो है आपके, ये हमारे ऑड डे कहे जाते हैं। ठीक है, ऑड डेज, ठीक है, ये ऑड डेज है फ्रेंड्स, और ये ऑड डेज के अकॉर्डिंग ही हमें पता पड़ेगा। देखिए 21 तो यहाँ पर कट गया, इसका कोई यूज़ नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है, जो 3 डेज यहाँ बचे हैं उसे देखना है। अब देखिए मंडे का 1 था, ट्यूसडे का 2 था, और 3 किसका था, वेडनसडे का, सिंपल। तो कौन सा दिन हो गया, यानी हमें नहीं पता कब के कैसे कौन से 24 दिन के बाद, किसके 24 दिन के बाद, तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसमें यही काम करना है, बहुत सिंपल है। कब क्या दिन पड़ेगा वो 24 डेज बाद, वो पड़ेगा आपका वेडनसडे। क्या पड़ेगा, वेडनसडे। इतना सिंपल है ये, और कितना कॉम्प्लिकेटेड इसे करा हुआ था। अब आप देख लो कि आप इसे कितने जल्दी कर सकते हो, सेकंड्स में कर पाओगे कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इससे भी इजी हो जाएगा ये। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ यहाँ से, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए बहुत सिंपल है, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैं कह रही हूँ वही करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
ठीक है, आप बिल्कुल सही तरीके से करते रहेंगे तो आपको कहीं कोई कंफ्यूजन आने वाला ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं, व्हाट इज़ आफ्टर 60 डेज। ठीक है, मान लेते हैं कि क्वेश्चन पूछ रहा है 60 दिन के बाद, ठीक है, 60 दिन के बाद क्या आता है, क्या आता है। ठीक है, अब 60 दिन के बाद पूछा गया तो हमें क्वेश्चन तो हमें मिल गया, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 60 दिन के बाद क्या आता है, तो चलिए देखिए 60 दिन के बाद क्या आएगा। सिंपली आपको 60 लेना है, अब आप सीख चुके होंगे 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा वो मैं यहाँ लिखूँगी। अब देखिए 7 का टेबल बनेंगे तो आपको सिंपल मिल जाएगा, 7 7 14 9 7 8 56 7 9 63, तो 7 8 56 होता है, तो 7 8 56, और जब 60 में से जाएगा तो 4 बचेगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आपको मालूम होगा कि आपको ये कैलकुलेशन बहुत ईजीली करने के लिए रिपीटेटिव मेथड यूज़ करना पड़ेगा, बार बार करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको डिवाइड वगैरह करना। तो ये 4 आपका बचने वाला है, तो ये 4 जो है ना, ये 4 हमारे ऑड डेज होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड, ये ध्यान रखना, अभी मैं समझा दूँगी ऑड डेज क्या होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑड डेज, डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल है, करना आपको ऐसे ही है क्वेश्चन को। 4 पे हमें ध्यान देना है, 4 किसका नंबर है, सिंपल थर्सडे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे। बस इतना ही टाइम आपको लगेगा और इससे कम हो जाएगा क्योंकि मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो वो दिन क्या हो जाएगा, थर्सडे, और आपको यही क्वेश्चन 2 नंबर दिला देगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे होंगे ये वीडियो पहले देख लिया होता तो आपको नंबर मिल गए होते। अब आपको ऑड डेज क्यों बताना जरूरी है, क्योंकि हम आगे और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। लेकिन मैक्सिमम आप फ्रेंड्स बताना मुझे कमेंट में, कितने बार हम लोगों ने क्वेश्चन छोड़ा है, इवन मैंने खुद ये क्वेश्चन छोड़े थे। जब मैंने इसे सीखा और समझा तो मैंने जाना कि लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ, जबकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, फिर भी हम उन्हें करते तो है ना प्रैक्टिस में। तो फ्रेंड्स इतना तो आपको समझ आ गया होगा, अगर आप लोग मतलब इस समय भी लॉकडाउन में पढ़ाई कर रहे हैं तो इससे बेस्ट मुझे लगता है कि सिंपल मेथड अभी आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। आपको दिमाग में रखना है, कोई भी नंबर दिया है यहाँ पे उसे 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करने के बाद में आपका जो रिमाइंडर बचता है उसको यहाँ लिख देना है, और उसके बाद में हमको क्या करना होता है, इसमें ये देखना होता है कि अगर सपोज 4 है तो 4 किसका है। तो सिंपली आप ये तो याद रख सकते हो, वन मंडे से शुरू हो रहा है तो मंडे ट्यूसडे, तो ऐसे टिप्स पे फिंगर्स पे आप इसे काउंट कर सकते हो। तो इतना नंबर है आपको, 2 नंबर ये दिला देगा। कई बार बच्चे 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर इससे रह जाते हैं, तो वो यही प्रॉब्लम होती है कि कुछ क्वेश्चन है जो हम छोड़ ही देते हैं, हमें लगता है हमें आएगा ही नहीं, है ना फ्रेंड्स। तो आई होप मस्ती के साथ में आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आप हमें सब्सक्राइब जरूर करना जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। अब चलिए एक चीज़ और, आप डरिए मत, मैं पूरा समझा के जाऊँगी। मैं और डेज बता रही थी कि क्या होता है, ठीक है, और डिटेल वीडियो आगे बनाऊँगी। चलिए अभी हम अभी के लिए इसे इरेज कर देते हैं। और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी, आप अगर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वीडियो रेडी मिलेगा। अभी तक का सबसे इजी वीडियो आपको अवेलेबल कराऊंगी जैसे कि आपको आपकी भाषा में समझ में आए। मैं जानती हूँ कि हम लोगों को ज़्यादा डिटेलिंग समझ में नहीं आती है, अपन को शॉर्ट ही मेथड समझ में आता है ना, तो उसी मेथड से समझाऊंगी जिस मेथड से अपने को इजीली समझ में आ जाए। चलिए देखिए, सबसे पहली बात, ऑड डेज क्या होते हैं, आपने देखा होगा लीप ईयर होता है, ठीक है, लीप ईयर ये तो सुना ही होगा, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, पहले मुझे भी नहीं पता था। लीप ईयर क्या होता है, जो आपका 4 होता है ना, 4 उससे कोई ईयर अगर डिवाइड हो जाए तो वो हो जाता है लीप ईयर, ठीक है, और नहीं हो पाता है तो वो क्या हो जाता है, नॉर्मल ईयर, जर्नल ईयर, जो भी आप उसे बोल लो, ठीक है। सपोज़ आपका 2020 हम देखते हैं अभी की बात करें, 4 से डिविजिबल है तो ये क्या हो गया, ये लीप ईयर हो गया। अब ये लीप ईयर का फ़र्क क्या पड़ता है, इसका एक दिन पड़ता है ना, तो ये हो जाता है 29 फेब, 28 की होती है वैसे तो फेब, लेकिन इस दिन क्या होता है, फेबररी जो होती है वो 29 डेज की हो जाती है, एक दिन हम एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है कि 4 ईयर मतलब हम ये देखते हैं कि 4 से डिविजिबल जो होता है वही क्यों होता है लीप ईयर, तो देख लेते हैं लीप ईयर ऐसा क्यों होता है। देखिए हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, सभी को पता होगा अर्थ तो जो है वो चक्कर लगाती है, ठीक है, सन के, तो सूरज की जब चारों ओर घूमती है तो उसको पूरा जो एक राउंड करने में टाइम लगता है वो कितना लगता है, 365 डेज, कितना लगता है, 365 डेज। लेकिन दोस्तों ये 365 डेज पूरा नहीं होता है, ठीक है, 365 और कुछ घंटे लगते हैं, वो घंटे हैं आपके, ये तो है डेज, और बाकी लगता है आपका 6 आवर्स, क्या लगता है, 6 आवर्स।
तो ये जो 6 आवर्स लगते हैं ना दोस्तों, ये 6 आवर्स इस तरीके से जोड़ रहे हैं, देखो 6 आवर्स। अब हर साल ही लग रहा होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही साल लग रहा होगा, एवरी ईयर 6 आवर्स जो है वो लगते हैं। और एवरी ईयर 6 आवर्स जब लगता है तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि अगर हम इसको देखें, ये एवरी ईयर हो रहा है, ठीक है, यानी ये 1 ईयर मान लो, ये 2 ईयर मान लो, ये 3 मान लो, तो ये 4th ईयर है। तो 4th ईयर में फ्रेंड्स ये जाके क्या होता है, क्यूमुलेटिव हो जाता है, यानी कि 6 × 4 अगर कर दूँ तो 24 आवर्स निकल के आए, कितने निकल गया है, 24 आवर्स निकल के आए। 24 आवर्स तो हमारा 1 डे बनाता है, सिंपल, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो 1 डे बड़ा वो कहाँ एडजस्ट हुआ, वो एडजस्ट हो गया आपका फरवरी के महीने में, क्योंकि फरवरी में 28 डेज होते हैं। मार्च में क्यों नहीं हुआ, जनवरी में क्यों नहीं हुआ, 32 डेज का कोई हम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए जो ज्योग्राफर्स थे, जो पूरा डिपार्टमेंट जो इसका स्टडी करता है, उन लोगों ने क्या डिसाइड करा कि इसे फेब में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो 28 से 29 फेब हो गया, तो हम ऑड डे इसे ही कहते हैं, ठीक है। ऑड डे किसे कहते हैं, जब ये जो एक एक्स्ट्रा डे मिल जाता है, यानी कि मैं इसे क्लियर कर देती हूँ, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। जब हमें लीप ईयर मिल गया है ना, तो लीप ईयर हम समझ गए हैं कि लीप ईयर कैसे निकालते हैं और किसे लीप ईयर कहा जाता है। तो अब समझने वाली बात ये कि ऑड डे क्या होता है, ठीक है। ऑड डे क्या हुआ, अभी तक हमें पता था जर्नली 65 होते हैं, लेकिन लीप ईयर के अंदर कितने दिन हो गए, 366 डेज हो गए। तो ये जो इसके अंदर फ्रेंड्स एक दिन एक्स्ट्रा है ना, यही ऑड डे कहलाता है। तो हम जब भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम वही ऑड डे जो बात कर रहे हैं, ये वही ऑड डे है। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, और इसके बाद में डिटेलिंग हम लीप ईयर के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कैलेंडर वाले, कौन सी डेट से कौन सा, कौन से ईयर से कौन सा, वो सारे लेके आएंगे जो भी अभी तक कंपटीशन में आए हैं। मैंने ये केवल एक इंट्रो वीडियो बनाया था जिससे कि आपको ये समझ सके कि कितना ईजी हम इसे करके बताएंगे। ये सारा एक्सप्लेनेशन था, बाकी आप सेकेंड के अंदर अब वो वाले क्वेश्चन तो कर ही पाएंगे कि 50 डेज बाद क्या कौन सा दिन आएगा या इस दिन कौन सा दिन आएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि कोई भी हमारा वीडियो बनेगा तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।